नमस्कार दोस्तों, फीटर सेमेस्टर 2 रिवीजन 79 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधे। कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर कि डाई का नाम क्या है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर का क्वेश्चन, डाई का नाम क्या है। तो कौन सा डाई का नाम है ये दोस्तों, तो हो जाएगा बी ऑप्शन, हाफ डाई हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो डाई दिख रही है वो हाफ डाई आपका क्लियर है। अगला है दोस्तों 80 नंबर का, कह रहा है किस प्रकार की चूड़ी रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। 80 का सी हो जाएगा दोस्तों आपका नर्लिंग थ्रेड, आपका जो होता है नक्कल थ्रेड जिसके बोलते हैं, ठीक है। नर्लिंग नहीं दोस्तों, नक्कल थ्रेड इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं 81 की बात करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश स्पेसिफिकेशन जो कह रहा है 41A, 46H और 5U8 में 5 क्या दर्शाता है। 81 का सी हो जाएगा, 81 का सी संरचना स्ट्रक्चर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, स्ट्रक्चर दर्शाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 82 कह रहा है कि ड्रेसिंग कास्टिंग के, क्या कह रहा है, ड्रेसिंग कास्टिंग के ढलाई में किस प्रकार के बोंडेड पहिए का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के बोंडेड पहिए का, बयासी का डी हो जाएगा आपका, रेजिनॉइड बॉन्ड जैसे पहिए का उपयोग किया जाता है। 83 कह रहा है सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड को, तो हरा सिलिकॉन जो होता है सीमेंटेड कार्बाइड वाला, यही यूज किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं, अगला हमारा कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन देखिए 84 नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौरासी क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है। 84 का सी हो जाएगा आपका 0.009 mm के बराबर होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीज़न का मान पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। क्या पूछ रहा है, वर्नियर डिवीज़न का मान पूछ रहा है। चलिए अगला बात करते हैं हम 85 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पर। टेलीस्कोप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो टेलीस्कोप गेज है किसी भी होल का अंदरूनी को माप करने के लिए अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, ठीक है। तो इसको टेलीस्कोप गेज भी कहते हैं, या टी आकार का हैंडल के आकार में होता है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, ठीक है। 85 नंबर कह रहा है एक्स रूप के, यहाँ जो पूछ रहा है एक्स रूप के चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो सी हो जाएगा प्लंजर लॉक हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, प्लंजर लॉक हो जाता है अंदरूनी करके, अंदरूनी बोर नापने के लिए इसको डाल के प्लंजर लॉक करके फिर बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसको माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर जो भी इंस्ट्रूमेंट से हमें नापना रहता है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 86 नंबर का कह रहा है टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या होती है। कोई टूटा हुआ स्टड है, 86 नंबर का ए हो जाएगा आपका यहाँ पर ए जी आउट जो है आपका, देख सकते हैं ए जी आउट या विधि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेहतरीन 86 नंबर का ये हो जाएगा ए जी आउट। अगला बात कर रहे हैं फिर, सॉरी 87 का, 87 क्या कह रहा है हमारा कि मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप के उपयोग क्यों किया जाता है। 87 का डी आपका हो जाएगा, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है इसलिए किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 88 का, तो 88 कह रहा है दोस्तों M20x15 के लिए टैप ड्रिल साइज़ क्या होता है, तो ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 18.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.5 हो जाएगा। अगला है 89 का, तो 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज़ क्या है। 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज़ क्या है। 89 का ए हो जाएगा 15.75 mm हो जाएगा, 15.75 mm हो जाएगा। अगला बात करते हैं एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के चिन्हित भाग का नाम बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर वेबल पिनियन हो जाएगा। यहाँ पर जो देख सकते हैं वेबल पिनियन है दोस्तों, ये एक सॉफ्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपका चक लगा हुआ है, यह हैंडल का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए रैक और पिनियन जैसे है, तो वेबल पिनियन इसको बोलेंगे टोटल मिला के, ठीक है। नाइन्टी वन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, डाया 10 mm रिबिंग के लिए ड्रिलिंग किए गए छेद का साइज़ क्या होता है। 91 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं 91 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं 91 हमारा क्या कह रहा है। 91 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 90.75 mm हो जाएगा, 9.75 mm हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है हैंड रीमर में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। हैंड रीमर, कोई हैंड रीमर है उसमें पूछ रहा है कि एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं
92 का आपका डी हो जाएगा, टेपर लीड एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, टेपर लीड एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। 93 की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि ड्रिल के ब्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है, क्यों है भाई, क्यों है। 92 का डी था, टेपर लेड एंगल था। 93 का जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये भी हो जाएगा कटिंग एज की और समान लंबाई के लिए। 94 की बात कर लेंगे, यहाँ पर कह रहा है थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्बरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होता है। 94 यहाँ पर पूछ रहा है, 94 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 120 डिग्री होता है। कितना होता है तो 120 डिग्री होता है। आगे बात करिए, बात कर रहे हैं बहुत शानदार फिगर यहाँ पर, इस थ्रेड का नाम क्या है, बहुत मस्त थ्रेड है दोस्तों, बहुत अच्छी काम लाए जाते हैं। 95 की बात करेंगे, डी हो जाएगा, शॉर्ट टूथ थ्रेड हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग होता है, शॉर्ट टूथ थ्रेड हो जाएगा इसका नाम, शॉर्ट टूथ थ्रेड है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं 96 का, तो एक्स के चिन्हित भाग का नाम, यहाँ पर भी एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना, ये देख लीजिए उसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो 96 का हो जाएगा डी आपका, हेलिक्स एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेलिक्स एंगल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 97 का, कह रहा डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू को क्यों प्रदान किया जाता है। डाई स्टॉक में 97 की बात कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। अगला बात कर लेते हैं 98 की, तो 98 कह रहा है दोस्तों मीट्रिक के वी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है। 98 के सी की बात कर लेते हैं, 60 डिग्री हो जाएगा। 98 का वी, जो वी आपका एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। कितने का बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो आपका 60 डिग्री का बनेगा। 99 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों सिंपल में फाइव पहले जैसे दिया है कि ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ये क्या दर्शाता है, इतना क्या दर्शा, मानक की प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। यहाँ पर 46 की बात कर रहा है कि क्या 46 क्या दर्शाता है, तो आइए चेक कर लेते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर 99 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कह रहा है ग्रेन साइज समझा बता रहा है, ठीक है। 46 नंबर का जो नंबरिंग पूछ रहा था वो ग्रेड क्या है, ग्रेन साइज पूछ रहा है। 100 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, 100 क्या कह रहा है हमारा, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर देख लीजिए 100 वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डायमंड ड्रेसिंग के लिए ये वाला उपकरण प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, डायमंड ड्रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। 101 की बात कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है, 101 है, 101 कह रहा है कि एल्युमिनियम, 101 कह रहा है एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है, तो 101 का बी हो जाएगा, सफ़ेद होता है, वाइट के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। 102 की बात कर लेते हैं, 102 कह रहा है ग्रेनिट व्हील, इतना 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 विनिर्देशन में एच क्या दर्शाता है। भैया सिंपल पूछा है एकदम, एच क्या दर्शाता है, 102 का सी हो जाएगा आपका, ग्रेड दर्शाता है। क्या दर्शाता है, 102 का सी हो जाएगा, ग्रेड दर्शाता है। 103 कह रहा है क्यों प्रिसीजन उपकरण इन्वायर स्टील के बने होते हैं, क्यों प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब सूक्ष्मापी यंत्र जो होते हैं क्यों इन्वायर स्टील के बनाए जाते हैं। 103 का डी हो जाएगा, विस्तार कम गुणांक, विस्तार का कम गुणांक के ही लिए दर्शाया जाता है, विस्तार का कम गुणांक के लिए। तो 103 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 103 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं 104 का, कह रहा है दोस्तों यहाँ पर इस वर्नियर माइक्रोमीटर के रीडिंग की गणना करिए। बहुत सारे रीडिंग मैंने निकाल के दिखा दिया, जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, आंसर सीधे मैं बता रहा हूँ। 104 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 9.963 हो जाएगा, 9.963 हो जाएगा। चलिए 104 का और 104 का बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 105 पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने पत्थर प्रवासी फ्लस के रूप में क्यों मिलाया जाता है। 105 क्या ये हो जाएगा, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, क्या है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, क्या है इस मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। 105 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 106 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप में बदलने का प्रावधान है, कौन से माइक्रोमीटर में। तो 106 का डी हो जाएगा आपका, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की बात करेंगे, कौन से स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। 107 क्या कह रहे हैं, 107 कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा वायर चयन के रूप में निश्चित करता है, चयन या चयन का स्वरूप निश्चित करता है। तो 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, 107 चूड़ी के प्रकार और पिटच के लिए, चूड़ी के प्रकार और पिटच के लिए ही प्रयोग किया जाता है। 107 का कितना का, 107 का बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चूड़ी का प्रकार और पिच के लिए ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं 107 के बाद 108 का है। 108 क्या हमारा कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर 108 कह रहा है टेलीस्कोप गेज से क्या नापा जाता है। 108 108 का डी हो जाएगा, 108 का डी हो जाएगा छिद्र स्लोट और रिसोर्सों को मापा जाता है। 109 की बात करेंगे, 109 कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। ब्लास्ट फर्नेस से 109 एक कच्चा लोहा या पिग आयरन प्राप्त होता है। 110 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर टेलीस्कोप गेज का साथ है न्यूनतम आयाम है क्या मापा जाता है टेलीस्कोप गेज के साथ। तो 110 का ए आपका सही हो जाएगा, 110 का ए आपका सही हो जाएगा 8.0 मिलीमीटर। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर 111 कह रहा है 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। 111 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, क्या माप छोटा छिद्र गेज का प्रयोग किया जाता है, ये देख सकते हैं ठीक है। 112 क्या कह रहा है दोस्तों हमारे पास, 112 कह रहा है कि किस प्रकार किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है। 112 का ए ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, 112 का ए ऑप्शन जो होता है ग्रे कच्चा लोहा होता है। कौन सा होता है? ग्रे कच्चा लोहा होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।